आप देख सकते हैं एडिकल केव्स। इसके लिए अब हमें जो है सीधा अगर हम जाएंगे तो वायनाड पहुंच जाएंगे, लेकिन हम पहले यहां से जो है 7 किलोमीटर लेफ्ट जाके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है एडिकल केव्स, इसको जाके पहले इसको देखेंगे, इसका घूमेंगे फिरेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम वायनाड बैंक पे जाएंगे। वायनाड म्यूजियम भी कुछ दिखा रहा है, इसको भी देखते हैं क्या है। बट एडिकल केव्स जो है वो जो है टूरिज्म के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है वायनाड में, यहाँ के जंगल के बाद, तो इसको देखते जाके। गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पार्क कर दी है एडिकल केव्स की पार्किंग में, और यहाँ से हमको जो ऊपर जो है यहाँ से 1 किलोमीटर करीब ऊपर जाना है वॉक करके। और एडिकल केव्स आई एम सो एक्साइटेड टू, इस्माइल भाई एक्साइटेड है? या बिल्कुल, क्योंकि इस केव्स में जो स्क्रिप्चर्स है, जो कार्विंग्स हैं 6000 BC की हैं। आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी ये स्क्रिप्चर्स हैं, इसमें कार्विंग्स हैं 6000 ईसा पूर्व। तो आई एम सो एक्साइटेड टू सी दिस एंड आई विल गो टू दिस वे 1 किलोमीटर अप टू द केव्स। This is the way. 1 kilometer we have to climb to the caves. 1 kilometer की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद जो हम पहुँच गए फाइनली टिकट काउंटर पे, और यहाँ से फिर हम अंदर जाएंगे केव्स देखने के लिए। 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, मज़ा आ गया। इस्माइल भाई के साथ पीछे हैं, आ जाएं पहले फिर चलते हैं अंदर। इस्माइल भाई भी जो है अपने आराम से टहलते हुए, दोनों हाथ पीछे रखते हुए गांधी पार्क में टहलते बड़े आराम से जो है वो भी आ गए हैं। और अब हम लोग टिकट लेंगे ऐसे टिकट काउंटर से, 50 रुपये का टिकट है पर हेड, तो 2 टिकट के जो है 100 रुपये बनते हैं। तो यहाँ से टिकट लिया जाएगा और फिर अंदर जाया जाएगा इस द्वार से केव्स के अंदर। ये पूरी पहाड़ी आप देखिए ऊपर पेड़ों के बीच में से, इन पहाड़ी के अंदर ये केव स्थित है। इस्माइल भाई कितने एक्साइटेड है आप अंदर इन केव्स जाने के लिए? काफी पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, और ये 2 केव्स है मैंने वहाँ पढ़ा है, 2 केव्स एक के ऊपर एक है। जो ऊपर वाली केव है उसमें वो स्क्रिप्चर्स हैं जो कार्विंग्स हैं, और 6000 BC कैन इमेजिन 6000 BC को हम देखने जा रहे हैं, इतनी पुरानी कार्विंग्स। तो लेट्स शुड गो, लेट्स गो। तो अब ये रास्ता सीढ़ियां, पत्थर की सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए देख सकते हैं वहां तक, ये सब रास्ता है। इस वीडियो से हमें ऊपर जाना है टिकट काउंटर के बाद, सीढ़ियाँ हमें जो केव्स तक लेके जाएंगी। बस कुछ अंतिम सीढ़ियाँ बची हैं चढ़ने के लिए। ऊपर हम पहुंच गए, और ये देखिए केव के अंदर जाने का रास्ता ये है, यहाँ सब केव एंटर कर रहे हैं। तो वी शैल नाउ बी एंटरिंग द केव्स फ्रॉम So here we enter the caves now. Enter the caves. Smile bhai with me. Smile bhai, we enter the caves now. आप देख रहे हैं लोअर केव से हम जो अपर केव्स की तरफ जा रहे हैं। अपर केव्स, यहाँ पर स्क्रिप्चर्स हैं, कार्विंग्स हैं। तो यहाँ से अब हम जो एंट्री करेंगे सेकंड केव्स के लिए, ये अपर केव्स हैं, और जो भी आपके कार्विंग्स हैं वो इसी केव में है, तो अंदर जाके हम देखते हैं।
You see these scriptures on this wall, or these carvings here? They all were supposed to be 6000 BC, that old. It dates back to 6000 BC. All these carvings, we don't exactly understand the meaning of these carvings, but I am sure that they must be made and used with the Archaeological Survey of India and the archaeologists and historians to decipher these symbols. This is the way people are used to writing on walls in India is very difficult for us to make out whether this belongs to that era or this era. You see this place between two huge rocks. Goes through and through like this and down there. These two rocks. So the different type of carvings you see, these rounds and circles are there. You can see these images and chakras sort of thing. Very difficult for us to understand. In fact, impossible for a layman to understand those pictures. I don't understand the meaning. I cannot decipher it, but yes, one thing what I understand is it's thrilling to notice this 6000 year old, 6000 BC, that means around 8000 year old.